नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के मार्च 2024 के एडिशन में दिए गए वन लाइनर प्रश्नों को। दोस्तों सभी वन लाइनर प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मार्च 2024 के वन लाइनर प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को किसने भारत का चीफ हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभाला है। 1 फरवरी 2024 को किसने भारत का चीफ हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभाला है। दोस्तों आंसर इसका वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी 2024 को ओलंपिक खेलों में भारत के लिए किस पहले स्वर्ण पदक विजेता को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक चुना गया है। आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को 1 फरवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने किस IIIT के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है। तो आंसर है इसका पटना IIT के साथ। पटना IIT के साथ 1 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने इस साल वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों आंसर इसका नौसैन्य असैन्य वर्ष। नौसेना असैन्य वर्ष 1 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने इस साल वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नौसेना असैन्य वर्ष 1 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। दोस्तों आंसर इसका भारतीय तट रक्षक दिवस। भारतीय तट रक्षक दिवस। दोस्तों भारतीय तट रक्षक जो दिवस है इस बार जो है ये 1 फरवरी को मनाया गया था। 48वां इसका स्थापना दिवस था। 48वां इनका स्थापना दिवस जो है इस बार जो है इनका संपन्न हुआ था 1 फरवरी 2024 को। दोस्तों जो भारतीय तट रक्षक बल है उसका आदर्श वाक्य है व्यय रक्षाम। व्यय रक्षाम संस्कृत में दोस्तों पंक्ति है ये व्यय रक्षाम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये याद रखना कि ये उन्होंने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 फरवरी 2024 को भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस। आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय जो देश बना है फ्रांस बना है। 2 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया। फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में 2 फरवरी 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन ने। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को नागपुर में खेले गए ब्लाइंड पुरुषों के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक ने। दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक ने। 2 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता और पाए गए बच्चों का पता लगाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों आंसर है इसका घर। आंसर है दोस्तों इसका घर। घर मतलब गो होम एंड री यूनाइट। गो होम एंड री यूनाइट 2 फरवरी 2024 को किस राज्य ने 2024 से 2025 के बजट में नमो लक्ष्मी नमो श्री और जन रक्षक योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों आंसर है इसका गुजरात राज्य ने। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य ने 2024 से 2025 के अपने बजट में नमो लक्ष्मी नमो श्री और जन रक्षक योजना शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात राज्य ने। 2 फरवरी 2024 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो आंसर है इसका वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों आंसर है इसका बकलोहो हिमाचल प्रदेश में। बकलोहो हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा है। INS संध्यायक। INS संध्यायक को 1 से 3 फरवरी 2024 तक देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों आंसर है इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में 3 फरवरी 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ओडिशा राज्य में 3 फरवरी 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने
तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों अगला प्रश्न में दिया गया है, 3 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका ईश्वर प्रसाद नमूद्री को, जो कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को, जो कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के किस शहर में IIM के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया? संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर शहर में IIM के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? दोस्तों आंसर इसका असम राज्य में। 2 से 4 फरवरी 2024 तक एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। 4 फरवरी 2024 को इसरो ने गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका व्योम मित्र। 4 फरवरी 2024 को इसरो ने गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका व्योम मित्र। जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री होगी दोस्तों, उसका नाम है व्योम मित्र। 4 फरवरी 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों आंसर है इसका रूस देश के। 4 फरवरी 2024 को रूस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 4 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका पीटी उषा को। 4 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका पीटी उषा को। 4 फरवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति हेजेम गिगोम्ब का निधन हो गया है? दोस्तों आंसर है इसका नाम्बिया। 4 फरवरी 2024 को नाम्बिया देश के राष्ट्रपति हैं ये हेजेम गिगोम्ब, जिनका निधन हो गया है। हेजेम गिगोम्ब दोस्तों नाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, जिनका 4 फरवरी 2024 को निधन हो गया है, हेजेम गिगोम्ब। 4 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका ईरान। 4 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? क्लोज द केयर गैप थीम के साथ, क्लोज द केयर गैप थीम के साथ। 5 फरवरी 2024 को किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रेमी पुरस्कार जीता है? दोस्तों आंसर इसका शंकर महादेवन गायक ने और जाकिर हुसैन तबला वादक ने। 5 फरवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? कच्छ गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। 5 फरवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? गुजरात के कच्छ में। 5 फरवरी 2024 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वाटर मेट्रो का निर्माण करने के लिए कोचिन शिपयार्ड से समझौता किया है? दोस्तों आंसर है इसका 3 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में, वाराणसी अयोध्या और मथुरा है, वाराणसी अयोध्या और मथुरा है। 5 फरवरी 2024 को रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन किस रूट पर शुरू किया है? दोस्तों आंसर है इसका अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम तक। 5 फरवरी 2024 को किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन UAV-31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी? दोस्तों आंसर इसका अमेरिका देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन UAV-31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। तो अमेरिका जो है वो इसे भारत को अब बेच सकता है। 3 से 5 फरवरी 2024 तक पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आंसर है इसका खूंटी झारखंड में। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 को उद्घाटन किया गया खूंटी झारखंड में। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कितने लाख करोड़ रुपए का 2024 से 25 का
वार्षिक बजट पेश किया है जो इस राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दोस्तों आंसर है इसका 7.36 लाख करोड़ रुपए का, 7.36 लाख करोड़ रुपए का। 5 फरवरी 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर स्थित बारामुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनल का नामकरण किसके नाम पर किया? दोस्तों आंसर है इसका B.R. अंबेडकर के नाम पर। 5 फरवरी 2024 को किस राज्य ने शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू किया है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य ने 5 फरवरी 2024 को जो है शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है। 5 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गई? तो आंसर है इसका तालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है तालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। 5 फरवरी 2024 को किस IIT ने S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशनल टनल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों आंसर है इसका IIT कानपुर ने। 5 फरवरी 2024 को किस राज्य ने सरकारी बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? दिल्ली राज्य ने सरकारी बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? नोएडा उत्तर प्रदेश का शहर है दोस्तों, इसे केंद्रीय जल मंत्रालय ने जो है जल योद्धा शहर की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश को। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया? उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास कर कुलपति पद नाम को कुलगुरु कर दिया है? दोस्तों आंसर है इसका मध्य प्रदेश राज्य ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पास कर जो है कुलपति पद नाम को कुलगुरु कर दिया है, ये भी आप जरूर याद रखें। आगे है प्रश्न, 6 फरवरी 2024 को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह? 6 फरवरी 2024 को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। 6 फरवरी 2024 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस गुट को पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता और चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया है? आंसर इसका अजीत पवार को। 6 फरवरी 2024 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस गुट को पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता और चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया है? दोस्तों आंसर है इसका अजीत पवार। छह फरवरी 24 को जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बनने के साथ ही तीनों प्रारूप में नंबर एक पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका जसप्रीत बुमराह। 6 फरवरी 2024 को कौन ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? दोस्तों आंसर है इसका वरुण घोष। 6 फरवरी 2024 को कौन ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? दोस्तों आंसर है इसका वरुण घोष। अगला है दोस्तों प्रश्न, 6 फरवरी 2024 को UAE ने सुपर 30 के किस संस्थापक को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? दोस्तों आंसर है इसका आनंद कुमार को। 6 फरवरी 2024 को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? दोस्तों आंसर है इसका ओल्जास बकटेनोव। 6 फरवरी 2024 को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? ओल्जास बकटेनोव। 6 फरवरी 2024 को LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD एंड CEO कौन बने हैं? रवि कुमार झा। 6 फरवरी 2024 को कौन संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक समूह बना है? दोस्तों आंसर है इसका टाटा। 6 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया? दोस्तों आंसर है इसका चिली। चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा, जिनका जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है फरवरी 2024 में। 6 फरवरी 2024 को हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
दोस्तों आंसर इसका नवाफ सलाम लेवलान के हैं दोस्तों, ये नवाफ सलाम जिन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। 6 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाया गया? आंसर दोस्तों इसका प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना। 7 फरवरी 2024 को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने वर्ष 2025 तक कितने भारतीय छात्रों को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने हेतु एडवांटा IGE इंडिया नामक एक नई पहल लॉन्च की है? दोस्तों आंसर इसका 2 मिलियन। दोस्तों आंसर इसका 2 मिलियन। 7 फरवरी 2024 को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने वर्ष तक कितने भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने हेतु एडवांटा IGE इंडिया नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका 2 मिलियन छात्रों को, 2 मिलियन छात्रों को दोस्तों जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित किया जाएगा इस पहल के तहत, इस पहल के तहत जिसका नाम है एडवांटा IGE इंडिया। 7 फरवरी 2024 को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर लेने के लिए किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड 2023 मिला है? दोस्तों आंसर है इसका नीमा सरीखानी को, नीमा सरीखानी को। ऐसे 7 फरवरी 2024 तक समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ विषय पर 2 दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आंसर है इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। 7 फरवरी 2024 को नासा ने किस नाम से 137 प्रकाश वर्ष दूर जीवन की संभावना वाला एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? दोस्तों आंसर है इसका TOI 715b यानी के 715b 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 TOI 715b। 7 फरवरी 2024 को किस सिविल सेवक को पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों आंसर है इसका नरेंद्र कुमार यादव को, नरेंद्र कुमार यादव हैं दोस्तों ये सिविल सेवक हैं जिन्हें पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 7 फरवरी 2024 को केंद्र स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर इसका किलकारी। 8 फरवरी 2024 को RBI ने लगातार 6वीं बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को कितने फीसदी पर बरकरार रखा है? दोस्तों आंसर है इसका 6.5 फीसदी। 8 फरवरी 2024 को किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न, 8 फरवरी 2024 को टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा ने किस शहर में भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका मुंबई शहर में, मुंबई शहर में। दोस्तों जो रतन टाटा जी हैं, जो टाटा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल जो है शुरू करने की घोषणा की है मुंबई में। 8 फरवरी 2024 को NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार चौधरी। 8 फरवरी 2024 को गूगल ने बार्ड AI की जगह किस नाम से एक नया AI लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका जेमिनी। बार्ड AI की जगह बना है जेमिनी। 8 फरवरी 2024 को पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर क्या नया नाम किया है? अपना पाई प्लेटफॉर्म। दोस्तों आंसर है इसका पाई प्लेटफॉर्म। 8 फरवरी 2024 को पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? दोस्तों आंसर है इसका पाई प्लेटफॉर्म। 8 फरवरी 2024 को चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने 2024 सीजन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की किस राष्ट्रीय एयरलाइन के साथ स्पॉन्सरशिप डील किया है? दोस्तों आंसर है इसका एतिहाद एयरवेज के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स है दोस्तों, इस टीम ने जो है एतिहाद एयरवेज के साथ जो है स्पॉन्सरशिप डील की है। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान। दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास, 9 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो कि हरित क्रांति के जनक है,
और दोस्तों जो इससे पहले जो किया था दो व्यक्तियों को, वो थे आपके लाल कृष्ण अडवाणी और कपूरी ठाकुर। कपूरी ठाकुर, क्योंकि तो कपूरी ठाकुर जो है दोस्तों, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। आगे है प्रश्न, तो ये बिहार के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे कपूरी ठाकुर। ये पांच व्यक्ति है कुल जिन्हें इस बार जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 9 फरवरी 2024 को WHO किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान, यानी कि निमहांस को दोस्तों जो है भारतीय चिकित्सा संस्थान है, ये निमहांस जिन्हें जो है नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 9 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान ने। 9 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान। 9 फरवरी 2024 को संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस नाम से एक विधेयक पारित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। 6 से 9 फरवरी 2024 तक भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा राज्य में। 6 से 9 फरवरी 2024 तक 7 बिम्बिस्टेक देशों के पहली एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आंसर है इसका दिल्ली में। 9 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर इसका सारथी। दोस्तों सारथी नाम से जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो है ये पोर्टल शुरू किया है सारथी नाम से। 9 फरवरी 2024 को ढाका में खेली गई सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से। 9 फरवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुल कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? 1.47 लाख करोड़ रुपए का। 9 फरवरी 2024 को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक यानी कि TTE कौन बनी है? सिंधु गणपति तमिलनाडु की। 9 फरवरी 2024 को किस भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक बन गई है? दोस्तों आंसर है इसका स्टील वर्ल्ड। 9 फरवरी 2024 को किस IIT ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वस्थ परियोजना शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका IIT गुवाहाटी ने। 9 से 10 फरवरी 2024 तक 7वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों आंसर है इसका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों 7वां इसका संस्करण था हिंद महासागर सम्मेलन का, जो कि आयोजित हुआ है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2024 में। 10 फरवरी 2024 को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है? दोस्तों आंसर है इसका लिम्फेटिक फाइलेरिया सिस बीमारी का नाम है दोस्तों, जिसका उन्मूलन करने के लिए जो है ये देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। 10 फरवरी 2024 को IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं? कैटरीना कैफ को। 10 फरवरी 2024 को किस राज्य ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति लागू की है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर प्रदेश राज्य ने। 10 फरवरी 2024 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। दोस्तों वीडियो में देखा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका GK को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया गया हमें 10 फरवरी 2024 को किस मशहूर चित्रकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों आंसर है इसका ए रामचंद्रन है दोस्तों, ये चित्रकार रहे हैं। 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? दोस्तों आंसर है इसका कतर देश के साथ। 6 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक दिव्य कला मेला 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों आंसर है इसका अगरतला त्रिपुरा में। 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेले गए अंडर 19
विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत। दोस्तों आंसर है इसका भारत। 11 फरवरी 2024 को कौन फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब। 11 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अवार्ड की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। दोस्तों आंसर है इसका नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। 11 फरवरी 2024 को मेजबान कतर ने किस देश को 3-1 से शिकस्त देकर एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका जॉर्डन। तो आंसर है इसका जॉर्डन। 11 फरवरी 2024 को सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार SA20 लीग का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका डर्बन सुपर जॉइंट्स ने। डर्बन सुपर जॉइंट्स को जो हराकर जो है जो सनराइज ईस्टर्न कैप ने जो है लगातार दूसरी बार SA20 लीग का खिताब जीता है। अगला है दोस्तों प्रश्न, 11 फरवरी 2024 को किस नाम से महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका स्वाति। आंसर है दोस्तों इसका स्वाति। स्वाति नाम है दोस्तों पोर्टल। 11 फरवरी 2024 को चेन्नई चैलेंजर ATP टूर्नामेंट्स के मैन सिंगल खिताब किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका सुमित नांगल ने। 11 फरवरी 2024 को हिंदी और मैथिली की किस प्रख्यात लेखिका का पटना में निधन हो गया? दोस्तों आंसर है इसका उषा किरण खान का। दोस्तों आंसर है इसका उषा किरण खान का। 11 फरवरी 2024 को केन्या के 21 मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक का एक दुर्घटना में मौत हो गई, केल्विन किप्टम। इसका केल्विन किप्टम। केन्या के दोस्तों जो है मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक थे ये केल्विन किप्टम, जिनका जो है दुर्घटना में जो है निधन हो गया है। 11 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया विज्ञान में? महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व नानी दिवस। 12 फरवरी 2024 को भारत की प्रमुख तत्कालीन भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपे कार्ड सेवाओं को किस देश में लॉन्च किया गया है? श्रीलंका और मॉरिशस देश में। 12 फरवरी 2024 को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में स्थित संगीत नाटक अकादमी में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंसर है इसका हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है संगीत नाटक अकादमी में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। 12 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल। 12 फरवरी 2024 को किस देश की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को अब रिहा कर दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका कतर। दोस्तों ये कतर में बंद थे, कतर देश की जेल में बंद थे ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। 12 फरवरी 2024 को भारत में मैया बंदरगाह जो कि है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में किस बंदरगाहों के बीच जहाजों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू हुई? दोस्तों आंसर है इसका सुल्तानगंज। दोस्तों सुल्तानगंज जो है ये बांग्लादेश का बंदरगाह है और इन दोनों बंदरगाहों के बीच जो कि है मैया बंदरगाह और सुल्तानगंज बंदरगाह इनके बीच है वो जहाजों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू हुई है। अगला है प्रश्न, 13 फरवरी 2024 को 20 लाख करोड़ रुपए के बंजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? दोस्तों आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 13 फरवरी 2024 को फ्रांस सिंगापुर मॉरिशस श्रीलंका नेपाल और भूटान के बाद किस देश में UPI रुपए कार्ड सेवा शुरू की गई है? UAE में। 13 फरवरी 2024 को भारत के किस पूर्व कप्तान और देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है इसका दत्ताजी राव गायकवाड़ का। 13 फरवरी 2024 को किसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है? नजमुल हुसैन शांतो को। 13 फरवरी 2024 को किस राज्य ने विधानसभा में हुक्का पार्लर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है? तेलंगाना राज्य की विधानसभा ने। 13 फरवरी 2024 को किस देश ने 2026 में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौता किया है? दोस्तों आंसर है इसका दुबई में। 13 फरवरी 2024 को ICC ने जनवरी 2024 माह के लिए क्रमश पुरुषों और महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? शामर जोसेफ वेस्ट इंडीज और की एमी हंटर आयरलैंड की।
13 फरवरी 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट टेक प्राइज जीता है? दोस्तों आंसर है इसका भारत, दोस्तों आंसर है इसका भारत देश ने। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में जो है घोषित किया है? दोस्तों आंसर इसका काजू नेमी को, दोस्तों आंसर इसका काजी नेमू को, काजी नेमू। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? पीएम सूर्य घर योजना, दोस्तों आंसर इसका पीएम सूर्य घर योजना। 13 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 13 फरवरी 2024 को किसकी जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? सरोजनी नायडू की जयंती पर, सरोजनी नायडू की जयंती पर। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भगवान को समर्पित आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? दोस्तों आंसर इसका स्वामी नारायण, दोस्तों इसका स्वामी नारायण भगवान को समर्पित। 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को नामित किया गया है? भारत, तुर्की और कतर को, भारत, तुर्की और कतर को। 14 फरवरी 2024 को भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? दोस्तों आंसर इसका दुबई में। 14 फरवरी 2024 को अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में बने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल जो है एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है? दोस्तों आंसर इसका गुजरात राज्य में, दोस्तों आंसर इसका गुजरात राज्य के खावड़ा में, गुजरात राज्य के खावड़ा में। 14 फरवरी 2024 को किस अरब देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की? दुबई ने, दोस्तों आंसर है दुबई यूएई ने। 14 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपए। 14 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? कार्टोसैट 2 को, कार्टोसैट 2 को। 14 फरवरी 2024 को कौन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन। 14 फरवरी 2024 को SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नया MD & CEO को नियुक्त किए हुए हैं? दोस्तों आंसर इसका वीरेंद्र बंसल, वीरेंद्र बंसल। 14 फरवरी 2024 को गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम। 13 से 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की? UAE और कतर देश की। 14 फरवरी 2024 को किस राज्य ने युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य ने, ओडिशा राज्य ने। 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के किस हवलदार को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका वरिंदर सिंह को, वरिंदर सिंह को। अगला है प्रश्न, 14 फरवरी 2024 को कौन सा जागरूकता दिवस मनाया गया? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी 2024 को किसने भारतीय सेना का उप प्रमुख पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बांड योजना को किस कानून के तहत असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है? सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत। 15 फरवरी 2024 को अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्ति किया है? दोस्तों आंसर इसका निखिल जोशी को, निखिल जोशी को। 15 फरवरी 2024 को कौन इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। 15 फरवरी 2024 को किस बैंक ने इस साल का इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक खिताब जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। 15 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नंदकिशोर यादव। 15 फरवरी 2024 को भारत सरकार लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नवल बेस स्थापित करने की घोषणा की है? अगति और मिनी कॉय, दोस्तों आंसर इसका अगति और मिनी कॉय।
दोस्तों दोनों ही जो है ये लक्षद्वीप के द्वीप समूह है अगति और मिनी कोय। 15 फरवरी 24 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों आंसर है इसका 25,000 रुपये। 15 फरवरी 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना? दोस्तों आंसर है इसका जर्मनी। जर्मनी। 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले के परमानंदपुर के पास कालूघाट में नवनिर्मित अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया? सारण में। दोस्तों आंसर है इसका सारण जिले में। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायरस लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने। 15 फरवरी 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? ग्रीस देश की संसद ने। ग्रीस देश की संसद ने। 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। दोस्तों जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। 16 फरवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के किस सबसे बड़े विरोधी नेता पोलर वुल्फ जेल में मौत हो गई? दोस्तों आंसर है इसका अलेक्सी नवलनी की। अलेक्सी नवलनी की। 16 फरवरी 2024 को व्हाट्सएप की किस स्वदेशी ऐप डीआरडीओ के सुरक्षा परीक्षण में पास हो गया? आंसर दोस्तों इसका संवाद। आंसर दोस्तों इसका संवाद। 16 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरा करने वाले दूसरे भारतीय जो गेंदबाज है वो कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। 16 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों इसका रविचंद्रन अश्विन। 16 फरवरी 2024 को किस देश की संसद ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल पारित किया है? दोस्तों आंसर है इसका अमेरिका देश की संसद ने। अमेरिका देश की संसद ने क्वाड बिल पारित किया है। 4 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हुए हैं आपके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान। 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी शहर में। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में। 16 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य। 16 फरवरी 2024 को भारत के किस पद्म श्री पुरस्कार विजेता शेफ का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? इम्तियाज कुरैशी का। इम्तियाज कुरैशी का। 17 फरवरी 2024 को इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इनसैट 3DS को। इनसैट 3DS को। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोखरण फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? वायुशक्ति 2024। वायुशक्ति 2024। 17 फरवरी 2024 को किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। 17 फरवरी 2024 के किस राज्य के धुले जिले में देश में पहली बार बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस स्टेशन को उद्घाटन किया गया? दोस्तों आंसर इसका महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में देश में पहली बार बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिला में सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। 17 फरवरी 2024 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। दोस्तों इसका चंडीगढ़ में। 17 फरवरी 2024 को इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है इसका युविका। दोस्तों कार्यक्रम का नाम है वो है युविका। 18 फरवरी 2024 को
कोर्ट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है दोस्तों। आंसर इसका 434, आंसर इसका 434, 434 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जो है जीत दर्ज की है भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर। 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आंसर दोस्तों इसका थाईलैंड देश ने। 18 से 10 फरवरी 2024 तक वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 10 से 18 फरवरी 2024 तक वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर ने। दोस्तों जो ओपेनहाइमर है इसको 13 जो है श्रेणियों में कैटेगरी में नामांकित किया गया था ऑस्कर के लिए और इसे कुल जो है 7 मिले हैं। 13 कैटेगरी में इसे नामित किया गया था जिसमें से इसको 7 मिले हैं। 18 फरवरी 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टीम का सर्वकालिक महान कप्तान किसे चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को। 18 फरवरी 2024 को किस रन मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? अश्वत कौशिक, भारतीय मूल के हैं दोस्तों, और ये सिंगापुर के हैं अश्वत कौशिक। 18 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वेल दिवस। 18 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस जो है मनाया गया? विश्व वेल दिवस। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर, और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन शीर्ष पर हैं। 19 फरवरी 2024 को रेलवे बोर्ड ने किस विश्व धरोहर नैरो गेज लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के ट्रायल शुरू किया है? कालका शिमला नैरो गेज लाइन पर। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया? संभल में। दोस्तों आंसर इसका संभल में। 19 फरवरी 2024 को किस देश में कार्मिकों के लिए 10,000 घरों के निर्माण को लेकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक आवास परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ हुआ? दोस्तों आंसर इसका श्रीलंका देश में। 19 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया? शुभमान गिल को। चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाए हैं शुभमान गिल को। अगला है दोस्तों प्रश्न, 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? दोस्तों आंसर इसका मना कामेश्वर मेट्रो स्टेशन। 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? मना कामेश्वर मेट्रो स्टेशन। 19 फरवरी 2024 को चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। 19 फरवरी 2024 को किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए विश्व बैंक के साथ जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च की है? गोवा राज्य ने। 19 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना? दोस्तों आंसर इसका माल्टा। 19 फरवरी 2024 को किस प्रसिद्ध जैन संत ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के बाद अंतिम सांस ली? आचार्य विद्यासागर महाराज ने। 19 फरवरी 2024 को किस भौतिक विज्ञानी को GD बिड़ला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका प्रोफेसर अदिति सैन डे को जो है GD बिड़ला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न, 20 फरवरी 2024 को जारी वरुण इंडिया के अनुसार गैर सूचीबद्ध क्षेत्र में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? दोस्तों आंसर है इसका सीरम। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया? चिनाब नदी पर। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? संबलपुर उड़ीसा में।
20 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित हुआ 70वां दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए। बीस फरवरी 2024 को देश के किसी रेडियो प्रेजेंटेटर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। अमीन सयानी का 20 फरवरी 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन मैराथनों में से एक पेंगोंग रोजन लेक मैराथन 2024 किसने जीता? भगवान सिंह और महेश खुराना, ये हैं भोपाल के। 20 फरवरी 2024 को कांग्रेस के की सांसद को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आंसर है इसका शशि थरूर को। 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। इस बिल में कितने फीसदी मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है? दोस्तों आंसर है इसका 10 फीसदी। 20 फरवरी 2024 को किस स्वीडिश फोटोग्राफर द्वारा खींची गई बेस बोन्स को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है? दोस्तों आंसर है इसका एलेक्स डॉसन है। दोस्तों ये स्वीडिश फोटोग्राफर है, उनके द्वारा खींची गई बेस बोन्स को अंडर वाटर फोटोग्राफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। 20 फरवरी 2024 को भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहां आयोजित हुआ? दोस्तों आंसर है इसका नेपाल देश में। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहां आयोजित हुआ? नेपाल देश में। 20 फरवरी 2024 को किस दो भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। 20 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? दोस्तों आंसर है इसका अंतराल पाटना गठबंधन बना ना। 20 फरवरी 2024 को RBI ने अमेजन इंडिया की 21 फिनटेक शाखा को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? दोस्तों आंसर है इसका अमेजन पे को। 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी पल्ले स्टोर लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। 21 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने कितने बैंकों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है? दोस्तों आंसर है इसका तीन बैंकों में। एमआर कुमार को BOI में, श्रीनिवासन श्रीधर को IOB में और अरब मुदन कुमार को यूको बैंक में। 21 फरवरी 2024 को IIT मुंबई और रिलायंस इंफोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की? दोस्तों आंसर है इसका हनुमान नाम से। 21 फरवरी 2024 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? CE20। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान राज्य के छत्तीसगढ़ में। 21 फरवरी 2024 को किस प्रख्यात न्यायविद का दिल्ली में निधन हो गया? दोस्तों आंसर है इसका फली एस नरीमन। 21 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? दोस्तों आंसर इसका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। इंटरजेनरेशनल लर्निंग। 21 फरवरी 2024 को जारी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को जगह मिली है? दोस्तों आंसर इसका लीना नायर को। 22 फरवरी 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी है? दोस्तों आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राज्य। 22 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना को किस वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया है? 2025 से 2026 तक। 22 फरवरी 2024 को IRCTC ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की है? दोस्तों आंसर इसका स्विगी फूड डिलीवरी के साथ। 22 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में कौन सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? बाबर आजम। 22 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन द्वारा निर्मित लैंडर ओडेसीएस चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षयान बना है? दोस्तों आंसर इसका अमेरिका देश की ये निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन, जिसने जो है निर्मित किया है ओडेसीएस चंद्रमा
ओडिसिस लैंडर निर्मित किया है ओडिसिस नाम से, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षण बना है। 22 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है ए एस राजीव को। दोस्तों वीडियो में देखा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न हमारे पास। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 2025 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग बैस स्कूल दिवस की घोषणा की है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश राज्य ने। 22 फरवरी 2024 को सबसे कम गेंदों पर 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 22 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? दुबई ने। दोस्तों आंसर है इसका दुबई ने। 23 फरवरी 2024 को कौन अल सल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? नायाब बुकले। दोस्तों आंसर है इसका नायाब बुकले। 23 फरवरी 2024 को हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन किया? दोस्तों आंसर है इसका रोमेश भट्टाचार्य ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। 23 फरवरी 2024 को किस संत की 647वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों आंसर है इसका रविदास। को कौन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं? आंसर है इसका सलील पारेख, इंफोसिस के सीईओ एंड एमडी। 23 फरवरी 2024 को लोकसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री का मुंबई में निधन हो गया? मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का। लोकसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का मुंबई में निधन हो गया? मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का। 23 फरवरी 2024 को भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? जयसिंथा कल्याण। 23 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दोस्तों आंसर इसका फिलीपींस। को झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? दोस्तों आंसर है इसका बोकारो शहर में। झारखंड सरकार ने अपने बोकारो शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है। अगला है प्रश्न। 23 फरवरी 2024 को नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ। 23 फरवरी 2024 को किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है? शिलोंग भारतीय प्रबंधन संस्थान में, शिलोंग IIM में। 21 से 23 फरवरी 2024 तक दिल्ली में आयोजित हुए 9वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर इसका किरियाकोस मित्सोताकिस, जो कि हैं यूनान के प्रधानमंत्री। 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समाज दिवस। 23 फरवरी 2024 को ट्रैफिक व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। 23 फरवरी 2024 को ट्रैफिक व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। 23 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म किया है? असम राज्य सरकार ने। 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने भात ब्रांड के तहत कितने रुपए प्रति किलोग्राम की MRP पर चावल की बिक्री शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत ब्रांड नाम के चावल की जो बिक्री शुरू की है केंद्र सरकार ने। अगला है प्रश्न। 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने भारत से लगी किस देश की सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ा लगाने का निर्णय लिया है? म्यांमार देश के साथ जो सीमा लगती है उसके जो है 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। 24 फरवरी 2024 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम फिक्की ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैस कहाँ चालू किया है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 24 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने कितने राज्यों को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका 11 राज्यों को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जो है अनाज भंडारण योजना का शुरू की है। अगला है प्रश्न। 24 फरवरी 2024 को जारी
एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है? दोस्तों आंसर है इसका चीन। दोस्तों आंसर है इसका चीन। आंसर है दोस्तों इसका चीन। आंसर है दोस्तों इसका चीन। आंसर है दोस्तों इसका चीन। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला जो है देश बन गया है। सड़क नेटवर्क वाला जो देश बन गया है भारत दूसरे नंबर पर, और इसने छोड़ा है चीन को पीछे। चीन जो है तीसरे नंबर पर चला गया और पहले नंबर पर अमेरिका हो चुका है सड़क नेटवर्क के मामले में। अगला है प्रश्न, 24 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस? 21 से 24 फरवरी 2024 तक किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदराव गांव में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव समक का तरलम्मा जत्तारा का आयोजन किया गया? तेलंगाना राज्य में। 19 से 24 फरवरी तक कहां भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 24 आयोजित किया है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। 25 फरवरी 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार किस फैक्ट्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के निर्माण की योजना तैयार की है? आंसर है दोस्तों इसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। 25 फरवरी 2024 को नीति आयोग ने किस 4 शहरों में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना तैयार की है? दोस्तों आंसर है इसका मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजाग में। मुंबई, सूरत और वाराणसी और विजाग में। 22 से 25 फरवरी 2024 तक भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच किस नाम से त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन मालदीव में किया गया? आंसर है दोस्तों इसका दोस्ती 16। दोस्ती 16। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले किस नाम से देश का सबसे लंबा केबल पर आधारित पुल का उद्घाटन किया? दोस्तों आंसर है इसका सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु। 25 फरवरी 2024 को गुलमर्ग में समाप्त हुए चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 सर्वाधिक पदक किसने जीते? दोस्तों आंसर है इसका सेना टीम ने। सेना टीम ने। 25 फरवरी 2024 को विश्व बैंक के GEF स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? दोस्तों आंसर है इसका गीता बत्रा। दोस्तों आंसर है इसका गीता बत्रा। 25 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की? हरियाणा राज्य सरकार ने। 25 फरवरी 2024 को किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल मनाया गया? केरल राज्य में। केरल राज्य में। 25 फरवरी 2024 को भारत रावी नदी पर बना किस बांध के निर्माण का काम पूरा कर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? शाहपुर कंडी बराज का। शाहपुर कंडी बराज का। 26 फरवरी 2024 को किस देश ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? म्यांमार देश ने। म्यांमार देश ने अपने देश के सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की है। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशनों की विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशनों आधारशिला रखी है? दोस्तों आंसर है इसका 553। दोस्तों आंसर है इसका 553 रेलवे स्टेशन को तो किए जाएंगे अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उद्घाटन कहाँ किया? झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में। पीएम मोदी ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में। अगला है प्रश्न दोस्तों, 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों आंसर है इसका पुणे में। दोस्तों आंसर है इसका पुणे में। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे में। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस नाम से देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन किया? भारत टेक्स 2024। 26 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज। दोस्तों आंसर है इसका मरियम नवाज। 26 फरवरी 2024 को IIT कनेक्शन सुरक्षित करने के लिए पहली बार US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ शुरू की गई? दोस्तों आंसर है इसका पुणे में। आंसर है इसका पुणे में। 26 फरवरी 2024 को IIT कन्वेंशन शुरू करने के लिए पहली बार US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ शुरू की गई? पुणे में। दोस्तों आंसर है इसका पुणे में।
26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी? आंसर है इसका रंगपो में। दोस्तों आंसर है इसका रंगपो में। 26 फरवरी 2024 को अदानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधा शुरू की है? कानपुर में। 26 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने अपने ग्राहकों को जाने KYC के एक समान मानकों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? टीवी सोमनाथन वित्त सचिव। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव। 26 फरवरी 2024 को रिलायंस फाउंडेशन ने देश और विदेश में जानवरों का पुनर्वास के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों आंसर है इसका वन तारा जंगल के सितारे। वन तारा जंगल के सितारे। अगला है प्रश्न, 26 फरवरी 2024 को किस प्रख्यात गजल गायक का 73 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है? दोस्तों आंसर है इसका पंकज उदास का। पंकज उदास का। 26 फरवरी 2024 को हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है इसका तामस सुलियोग। तामस सुलियोग। 27 फरवरी 2024 को किस राज्य के करौली जिले में हिंडन के पास लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के सबसे बड़ा भंडार मिला है? राजस्थान राज्य के करौली जिले में। राजस्थान राज्य के करौली जिले में हिंडन के पास लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार मिला है। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल चारों एस्ट्रोनॉट के नाम का ऐलान किया है? इनके नाम हैं इसका ग्रुप कमांडर प्रशांत बाल कृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अगला है प्रश्न, 27 फरवरी 2024 को किस नामीबियाई खिलाड़ी ने 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने। जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने। 27 फरवरी 2024 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पीएम मोदी ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भारत की योजना का अनावरण किया? दोस्तों इसका 2035। इसका 2035 तक। 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT IIM जैसे संस्थानों से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? स्वयं प्लस। स्वयं प्लस। 27 फरवरी 2024 को किस देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों इसका पेरू। 27 फरवरी 2024 को किस राज्य के राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई 212वीं पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया गया? दोस्तों आंसर है इसका गोवा। तो आंसर है इसका गोवा। गोवा राज्य के राज्यपाल है ये P.S. श्रीधरन पिल्लई, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अगला है प्रश्न दोस्तों, 27 फरवरी 2024 को पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 का रोमैन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए जीता है? दोस्तों आंसर है इसका दीवान डी स्टालिन। दोस्तों आंसर है इसका दीवान डी स्टालिन। 27 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु पर एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? नागालैंड राज्य सरकार ने। 27 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने NSG का महानिदेशक पद की अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? दलजीत सिंह चौधरी को। 27 फरवरी 2024 को किसे स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशन के साथ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रदीप महाजन को। प्रदीप महाजन को। अगला है प्रश्न, 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया? दोस्तों आंसर है इसका विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी 2024 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर है? आंसर है इसका 42वें स्थान पर। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य के थूथुकुड़ी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। दोस्तों आंसर इसका तमिलनाडु राज्य के थूथुकुड़ी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में। 28 फरवरी 2024 को तमिलनाडु के किस शहर में प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन हब बंदरगाह की आधारशिला और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन नाव लॉन्च की? थूथुकुड़ी। दोस्तों आंसर इसका थूथुकुड़ी शहर में। अगला है प्रश्न, 28 फरवरी 2024 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड से सम्मानित किया है?
सुनील भारती मित्तल को 28 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दोस्तों आंसर है इसका नीरज चोपड़ा को। 28 फरवरी 2024 का संयुक्त राष्ट्र इक्कीस पूर्व सहायक महासचिव ने अपनी पहली किताब द सन लॉन्च की है। लक्ष्मी बुद्धेश्वरपुरी ने अपनी किताब पहली किताब स्वे लॉइंग द सन लॉन्च की है और ये दोस्तों रही है संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव। 28 फरवरी 2024 को तेलंगाना के किस शहर में सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। 28 फरवरी 2024 को इंडिया यूके अचीवर सम्मान से किसे नवाजा गया है? जोया अख्तर को, जो कि फिल्मकार है, और असमा खान ब्रिटिश भारतीय शेफ है। 28 और 29 फरवरी 2024 को PRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस नाम से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किया है? दोस्तों आंसर है इसका विशो रेट्स। 29 फरवरी 2024 को न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास दिया है? दोस्तों आंसर है इसका नील वैगनर। दोस्तों न्यूजीलैंड के ये तेज गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला है प्रश्न, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों आंसर इसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इब का। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की अनुमानित संख्या है 13,874 जो कि है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3,907। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया? उज्जैन शहर में। 29 फरवरी 2024 को किस कंपनी ने वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कर भारतीय मीडिया क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? दोस्तों आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला है प्रश्न, 29 फरवरी 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के किस अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। 29 फरवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की है? निकारागुआ देश के साथ। 29 फरवरी 2024 को ईरान ने रूस की मदद से किस नाम से रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर इसका कॉर्स वन। 29 फरवरी 2024 को अयोध्या के विवादित स्थल पर भगवान राम मंदिर के अस्तित्व के समर्थन में साक्ष्य एकत्रित करने वाले किस पुरातत्वविद का रायपुर में निधन हो गया है? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का। 29 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ एक अत्याधुनिक AI केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक राज्य सरकार ने। 26 से 29 फरवरी तक किस राज्य में 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? दोस्तों आंसर है इसका त्रिपुरा राज्य में। 1 मार्च 2024 को किस देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ? श्रीलंका में। 1 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के किस द्वीप में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जट्टी का उद्घाटन किया? दोस्तों आंसर है इसका अगलेगा द्वीप में। अगला है प्रश्न, 1 मार्च 2024 को भारतीय नागरिक सेवा लेखा सेवा ने अपने 48वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर है इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। अगला है दोस्तों प्रश्न, 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली त्यौहार चार फुट मनाया गया? दोस्तों आंसर है इसका मिजोरम राज्य में। 1 मार्च 2024 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री सलक की एक नई समुद्री प्रजाति की खोज कर इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी के नाम पर क्या रखा है? दोस्तों आंसर है इसका मेलानोफ्लामिस द्रौपदी। 1 मार्च 2024 को RBI ने किस तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? एस रविंद्रन को। 1 मार्च 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल
किस 518 किलोमीटर लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन को उद्घाटन किया? दोस्तों आंसर इसका हल्दिया से बरौनी तक, हल्दिया से बरौनी तक की। 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? झारखंड राज्य में है दोस्तों ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र, जिसे राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है दोस्तों प्रश्न, 1 मार्च 2024 को SBI ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत के करीब रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों आंसर इसका 8%। अगला है प्रश्न दोस्तों, 1 मार्च 2024 को प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किससे जो है हरा कर पहली बार खिताब जीता है? दोस्तों आंसर इसका हरियाणा स्टीलर्स ने। 1 मार्च 2024 को प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किसे हरा कर पहली बार खिताब जीता है? हरियाणा स्टीलर्स को। 1 मार्च 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC के नए अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर दोस्तों इसका गिफ्ट सिटी गुजरात राज्य में। 1 मार्च 2024 को कई पानी और किस राज्य का 26वां जिला बना है? दोस्तों आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य का। और दोस्तों अभी अभी हाल ही में 7 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला भी जो है बना दिया गया है। 27वें जिले का नाम है बिचोम जिला। ये 27वां जिला है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, बिचोम जिला। अब कुल जो है 27 जिले हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला है प्रश्न, 1 मार्च 2024 को कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? दोस्तों आंसर इसका अजीज कुरैशी का। 1 मार्च 2024 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? दोस्तों आंसर इसका टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 24 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक RBI ने किस थीम के साथ वित्तीय सशक्तता सप्ताह मनाया है? दोस्तों आंसर इसका मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियल स्मार्ट। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के मार्च 2024 के एडिशन में किए गए फरवरी मंथ के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका GK को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।